हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। ये हादसा रविवार शाम को हुआ बताया जा रहा है। घुमारवीं का ये परिवार बंदला से घूमकर वापस आ रहा था कि दनो गांव के पास हादसा पेश आ गया। बताया जाता है कि जब ये कार अनियंत्रण हुई तो पहले 2 राहगीरों को भी चोट मारी, जिससे एक महिला चोटिल हुई जबकि दूसरी को मामूली चोटें आई। सभी घायलों का उपचार चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार ये लोग कुल्लू के बताए जा रहे हैं, जबकि लंबे समय से बिलासपुर के घुमारवीं में रहते थे। रविवार को अपनी मनोरंजनात्मक यात्रा में ये लोग अपनी कार से बंदला गए। शाम के समय वापसी पर जब ये नेशनल हाईवे से कुछ दूरी पर थे तो दनो गांव के पास कार अनियंत्रित होकर हो गई और खाई में लुढ़ गई। मैम बताएं कैसे हुआ, कहां थे आप और कहां से जा रहे थे? हम बंदला गए थे, बच्चे जीत कर रहे थे, संडे को भी मासी जी जाना है तो हम चले गए थे। भैया की गाड़ी मंगाई और हम ऊपर चले गए। तो जब हम वापिस आ रहे थे तो मीना, पहले भैया गाड़ी चला रहे थे, फिर मीनाक्षी ने बोला, क्योंकि वो गाड़ी पहले नहीं चलाती, मीनाक्षी ने बोला मैं चलाती हूँ गाड़ी, तो भैया मुझे आगे आने दो। तो भैया ने दे दी उनको भी, चल धीरे धीरे चलाना, थोड़ा सा एक दो मोड़ तो सही चलते रहे। आगे आ जाने के एक लेडीज आ गया, उसको एकदम से मोड़ आ गया ना, आगे लेडीज नजर आ गया तो उसने एकदम से मोड़ काट लिया उसको बचाने के चक्कर में। शीशा भी बच गया था, पता नहीं मोड़ काट, हमने बोले उस लेडीज को लगे चीख गए तो उस आउट ऑफ कंट्रोल होकर सीधा नीचे चली गई गाड़ी। फिर आप अपने आप ऊपर आए? फिर जैसे नीचे गिरा गाड़ी उलट पुलट, मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगा था क्या हो रहा था, चीख रहा था सभी। जैसे भी गाड़ी से बाहर गिर गई, गाड़ी के अंदर भी नहीं, गाड़ी से बाहर निकल गई उल्टा होते होते। फिर वहां से मैं ऐसा लग रहा था मैं बहुत नशे में हूँ। कितने लोग थे आप गाड़ी में? तीन बच्चे थे हमारे साथ और 3 लेडीज एक भैया थे।